इस छोटी सी वीडियो में आपको एक ज्योतिष का बहुत गहरा कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं जिसको हम ग्रह युद्ध भी बोलते हैं और प्लेनेटरी वॉर भी बोलते हैं वॉर या फिर ग्रह युद्ध के बारे में यह वीडियो है सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आल्सो शेयर इट विद फ्रेंड्स बिकॉज यहां पे मैं पिन पॉइंटेडली आपको सीधा कॉन्सेप्ट समझाता हूं बातें कम करता हूँ

जब किसी राशि के अंदर राशि जो यहाँ पे नंबर लिखा है, जब किसी राशि के अंदर एक प्लेनेट अकेला बैठा है दिस इज सिटिंग अलोन इन वन राशि राशि ही हैज द टू हिमसेल्फ तो इसकी किसी से लड़ाई नहीं है मतलब ये अपने घर में जिस घर जो घर इसको मिला हुआ है उसमें अकेला है चाहे वो घर खराब हो चाहे अच्छा हो वो बाद की बात है बट इसके पास अकेला एक घर है वहां पे अकेला ज्यादा खुश है दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ अगर इसी घर में इसी राशि में हम एक और प्लेनेट इसके साथ बिठा दें, सपोज करिए मार्स बिठा दिया मरकरी के साथ नाउ एक ही घर में हमारे पास दो एनर्जीज आ गई दो प्लेनेट्स आ गए इट विल डिपेंड ऑन देयर नेचर कि वो आपस में योग बनाते हैं योग मतलब आपस में खुशी खुशी रह रहे हैं कि युद्ध करते हैं यानी कि एक दूसरे के एनिमीज बन गए एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहना और एक दूसरे के साथ युद्ध करना लड़ाइया करना यह होता है जब एक ही घर में दो से ज्यादा प्लैनेट्स आ जाएं, दो या दो से ज्यादा इसको हम लो लेवल प्लेनेटरी वॉर बोलेंगे क्योंकि एक राशि में प्लेनेट इतनी ज्यादा खतरनाक वॉर नहीं होती कभी कभी आपस में लड़ते हैं बाकी टाइम अपना अपना समय बिताते हैं दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड सेकेंड सनेरियो कैन बी कि एक प्लेनेट दूसरे के साथ प्लेनेटरी वॉर में तब है जब दोनों एक नक्षत्र में आ गए देखिए अब जब एक राशि में थे ना तो यहां पे जो भी इस राशि की कमोडिटी है जो जो ये राशि दर्शाती है उसके पीछे वॉर हो रही है जब एक नक्षत्र में आ गए एक नक्षत्र में जब दो आ गए सपोज करिए करिएदरा नक्षत्र में बैठे हैं सपोज तो अब इस अर्दरा की जो थॉट्स हैं फीलिंग्स हैं जो इसकी एक तरह से मेंटल फीलिंग्स हैं उसके पीछे लड़ाई है समझ रहे हैं आप जब राशि में दो कट्ठे बैठे थे तब कमोडिटी यानी कि चीजों के पीछे लड़ाई है दो प्लेनेट्स की जब

तो आपकी लाइफ में हमेशा ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं जो कि मर्डर के समान है यानी कि बहुत ज्यादा हाई रिस्क सिचुएशंस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशंस ठीक है इतना ही मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा हमने मोटा मोटा ये डिस्कस किया तीन तरह की प्लेनेटरी वॉर्स लो लेवल जब एक राशि में बैठ जाए उस तरह जब कमोडिटी है जो उस राशि जो वो राशि दर्शाती है उसके बीच जब लड़ाई है दूसरी जब एक नक्षत्र में बैठ जाए दोनों के बीच में थॉट प्रोसेस की लड़ाई है तीसरा जब एक डिग्री में बैठ गए दैट इज अ प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड प्लेनेटरी वॉर या ग्रह युद्ध उसमें रेमेडीज अगर आपने करनी है आपकी कुंडली में कोई भी दो ग्रह आपस में प्लेनेटरी वॉर में है युद्ध में है सिंगल रेमेडी अगर आपको बताऊं तो भगवत गीता रोज पढ़नी चाहिए ये सिंगल मोस्ट रेमेडी है जो सबके साथ काम करेगी जो मर्जी ग्रह हो अदरवाइज जो दो ग्रह आपस में प्लेनेटरी वॉर में है उनकी टली आपको पहचान के रेमेडी करनी चाहिए वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे सो आई होप इन दिस शॉर्ट वीडियो यू हैव लर्न समथिंग वेरी यूनिक टूडे रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी इस वीडियो पे कमेंट करके बताइए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कई बार ये होता है कि हमारे पास अपनी एक्यूरेट कुंडली ही नहीं होती हमें एकट डिग्रीज ही नहीं पता ग्रह की तो उसकी प्लेनेटरी वॉर कैसे बचानेंगे उस चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने अपनी वेबसाइट पे एस्ट्रोलिया पे प्रीमियम कुल्ली पे 75 फाइव परसेंट अभी चलाया हुआ है आप अपनी कुल्ली बनवाइए ताकि आपको एक्यूरेटली कम से कम ये तो पता चले कि कौन सा ग्रह कौन सी डिग्रीज में बैठा है ये जब बनवा लेंगे आपके पास डिग्रीज आएंगी देन यू फिगर आउट कौन से प्लेनेट आपस में प्लेनेटरी वॉर में है एंड देन डू रेमेडीज फॉर देम धन्यवाद